नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर गुप्ता। हम यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बालों को स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि आजकल बाल जो है एक गहना के रूप में है। अगर किसी के सिर पे बाल कम है तो उसे अजीब सा लगता है। दोस्तों, आज हम इस देसी नुस्खे में, इस घरेलू उपचार में, ऐसा उपचार मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप कभी कभार भी कर लेते हैं तो आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपके बाल घने रहेंगे, मुलायम रहेंगे, आपके बाल मजबूत रहेंगे, बाल टूटेंगे नहीं। दोस्तों, बहुत ही आसान नुस्खा है जो कि बड़े आसानी से मिल जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेहंदी, मेहंदी को कैसे प्रयोग करना है जिससे आपके बाल घने हो जाए, मजबूत हो जाए तथा मुलायम रहे, देखने में अच्छे लगे। तो दोस्तों, मेहंदी का आप प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन मेहंदी का प्रयोग कैसे करना है इस नुस्खे में जानेंगे। जब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल मजबूत रहे, आपके बाल घने रहें, आपके बाल मुलायम हो, तो आपको यूज करना है मेहंदी पाउडर या मेहंदी के जो पत्ते होते हैं। अगर कहीं आपको किसी मेहंदी के पेड़ से पत्ते मिल जाते हैं वो सबसे बढ़िया होता है, नहीं तो आप मेहंदी के पाउडर में आपको मिलाना है आंवला पाउडर। अगर आप मेहंदी पाउडर में आंवला पाउडर मिलाते हैं तो इसका कमाल बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और मेहंदी पाउडर के साथ साथ आपको मिलाना है दही। तो मैंने आपको आपके बाल को स्वस्थ रखने के लिए, आपके बाल को घने रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, मुलायम रखने के लिए आपको प्रयोग करना है मेहंदी, आंवला चूर्ण और दही। इन तीनों चीज़ों को एक में आप मिलाकर आप अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। जब मेहंदी को दही और आंवला चूर्ण मिलाकर आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मुलायम रहेंगे। दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ, मेहंदी जो है वो आपके बालों में, आपके सिर में ठंडक महसूस देगा। आंवला भी ठंडा होता है, जिसे गर्मियों के दिनों में आंवले का बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है जो आपके सिर को ठंडक देगा। साथ में आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है। आपके बालों में ग्रोथ आ जाएगी, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, आपके बाल मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन सी जब बालों को मिलता है तो वह मजबूत हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप दही का प्रयोग करते हैं तो दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी पाया जाता है। जब आप बालों में दही का प्रयोग करेंगे तो कैल्शियम मिलेगा, आपके बाल मजबूत होंगे, मुलायम होंगे और चमकदार हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो नुस्खा मैंने बताया आपको, मेहंदी के संग आंवला चूर्ण और दही का नुस्खा बताया, जो कि सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं, जो हमारे बालों के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है वह हमारे आंवला चूर्ण से मिल जाता है और जो दही से कैल्शियम तथा विटामिन डी मिल जाता है। जब ये सारे पोषक तत्व हमारे बालों को मिलते हैं तो हमारे बाल मजबूत हो जाते हैं, बाल घने हो जाते हैं, बाल मुलायम हो जाते हैं, बाल टूटते नहीं हैं। दोस्तों, इसको मैंने आपको नुस्खा बता दिया कि तीनों चीज़ों को मिलाकर आप बाल पे अप्लाई कर दीजिए और कम से कम 2 से 3 घंटा तक सूखने देना है। 2-3 घंटे बाद आप चाहें तो अपने बालों को सादा पानी से धो लें या हर्बल शैम्पू से धो लें, और कुछ नहीं तो आप मुल्तानी मिट्टी से भी अपने बाल को धोते हैं तो आपके बाल चमकदार हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएंगे।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बतलाएं और इस नुस्खा को जरूर आजमाएं, क्योंकि यह देसी नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है जो कि बड़े आसानी से मिल जाता है और इसका फायदा 100% मिलता है। पहले दादी माँ के नुस्खे हैं, पहले इसे ही प्रयोग किया जाता था और बाल मजबूत होते थे, मुलायम होते थे, घने हुआ करते थे। फिर मिलते हैं हम दोस्तों नए वीडियो के संग, नए नुस्खे के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।